हेलो जी, राम राम सभी को। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अब ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ आज मैं, क्योंकि आज बेटी मना कर रही, कह रही आज से तेरे को ही शुरुआत करनी है, तो आज मैं ही शुरुआत कर रही हूँ ब्लॉग की। तो अगर कोई गलती हो जाए कुछ तो मेरे को थोड़ा संभाल लेना, क्षमा कर देना सभी। तो मेरा थोड़ा दिखाती हूँ मैंने क्या क्या कर लिया सुबह से आज। तो आप ये देख सकते हैं, मम्मी ने रूम भी क्लीन कर दिया है और किचन भी बढ़िया क्लीन कर दिया। थोड़ी थोड़ी व्लॉगिंग मैं मम्मी से करा रही हूँ, ताकि अगर मैं कहीं चली जाऊँ तो फिर मम्मी भी व्लॉगिंग कर सके, मतलब मेरे ऊपर डिपेंड ना रहे, मम्मी थोड़ी थोड़ी मम्मी खुद भी करे। और इधर कपड़ों की मशीन मैंने लगा दी है और करूँगी अब मैं, कपड़े निचोड़ूंगी बैठ के यहाँ पे। इधर भी मैंने रूम क्लीन कर दिया है। तो यहाँ पे अब मम्मी लग चुकी है कपड़े निचोड़ने, बस मम्मी निचोड़ देगी और मैं फटाफट इन्हें ड्राई करके सूखने के लिए फैला दूंगी। तो फ्रेंड्स, कपड़े मैंने धो के डाल दिए हैं, इधर इधर फैला दिए सारे। और आज मौसम भी ऐसे बना हुआ है, कभी धूप हो रही कभी बादल आ रहे हैं, ऐसे ही है, बेकार सा मौसम हो रखा है। पता नहीं कपड़े भी सूखेंगे कि नहीं सूखेंगे। और ये रही एक बैठी हुई बेटी, एक रही इधर, काम कुछ नहीं कर रही आज, मेरे से सारा काम करवा रही, कोई हेल्प नहीं कर रही है मेरी आज। कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं। तो जी, आज बेटी बहुत गुस्सा हो गई है मेरे से और कुछ काम नहीं कर रही, ना ही ब्लॉग शूट कर रही। आज मुझे कह रही है तुझे शूट करना है, तेरा काम है खुद कर। हाँ, सब्सक्राइबर चाहते कि तू ही करे शूट, तो आज मैं ही कर रही हूँ। पता नहीं कैसा कैसा क्या हो रहा है मेरे से। जो भी कमी लगेगी आपको कमेंट करके बताना मुझे कि मैंने सही किया कि नहीं किया। जब ही आगे मैं सुधार कर पाऊंगी कि कैसे कैसे मुझे करना है। लीजिए फ्रेंड्स, लंच हमारा तैयार हो गया। लंच में बना है हमारा हरा छोलिया और रोटी है साथ में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी लग गई है चाय बनाने, क्योंकि मॉर्निंग से मम्मी की ही मैंने ड्यूटी लगाई है आज, शूटिंग भी करो और व्लॉगिंग भी करो। पर अब मम्मी ने बोला तू भी साथ में हेल्प कर, तो मैं बस मम्मी की व्लॉगिंग में हेल्प करूंगी, बाकी काम मम्मी खुद करेगी। तो लो जी, बन गई चाय, और आ जाइए आप भी हमारे साथ, चाय का मजा लीजिए। क्या कर रही है माते? मक्खन निकाल रही हूँ, मलाई रखी थी मैंने दो तीन दिन की, तो वो मक्खन बना रही हूँ अब। अच्छा, हाँ, थोड़ी लस्सी बन जाएगी, मक्खन हो जाएगा। तो जी, अब मम्मी लग गई है मक्खन निकालने, मतलब जो दही हम जमाते हैं ना मलाई इकट्ठी करके एक हफ्ते की, बस वही है मम्मी अब बस ऐसे चलाती रहेंगी मम्मी हाथ से, फिर मक्खन हमारा निकल जाएगा और फिर मम्मी इसकी बॉल्स बना के निकाल लेंगी। तो फ्रेंड्स देखिए, मक्खन बनके हो चुका है तैयार। अब बस मम्मी मक्खन की बॉल्स बना बना के इसे छाछ में से निकालेंगी और उसे फिर हम डब्बे में स्टोर करके रख देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे मम्मी कर रही हैं अब प्रेस, क्योंकि आज कपड़े धोए थे। जैसा आपने शुरुआत के ब्लॉग में देखा ही था, आज सारा काम मम्मी ही कर रही है। बस अब थोड़ी सी व्लॉगिंग में हेल्प कर रही हूँ मैं, बस वो काम बस मम्मी कर रही है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहन लग गई अब चावल डालने पतीले में उबलने के लिए, क्योंकि हम लोग उबाल के ही बनाते हैं। और यहाँ बहन कुकर में लगा रही है तड़का। और आज कौन सी दाल बन रही है क्या आप बता सकती हैं हमें, कौन सी दाल? ओके, मूंग मसर की दाल बन रही है। देखिए तड़का भी लग गया है और यहाँ चावल भी डाल दिए। तो फ्रेंड्स डिनर हमारा बनके तैयार हो चुका है, अब हम कर लेते हैं डिनर। तो इस व्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कमेंट करके ये भी बताना आज मम्मी की व्लॉगिंग कैसी लगी, मम्मी की ज़्यादा अच्छी लगी या मेरी व्लॉगिंग, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।